हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि शेडिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपने यस्टरडे वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि ग्रिड मेथड के थ्रू आप लोग आउटलाइन कैसे कर सकते हैं। तो कल मैंने ऋतिक रोशन की आउटलाइन करी थी स्केच की, और आज हम लोग उसी को शेड करेंगे। तो आज हम लोग शेडिंग करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसको शेड कैसे करते हैं, और मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ मैंने कौन कौन सी पेंसिल यूज़ करी है। और जो स्केच को बनाने की मैं मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ मैं आउटलाइन की नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और जो अलग से टूल्स हैं वो ये टॉम्बो मोनोज इरेजर, मैकेनिकल पेंसिल, मेकअप ब्रश और नीडेबल इरेजर। अगर ये चारों चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप लोग सिर्फ पेंसिल से भी अपने बना सकते हैं, और टिश्यू पेपर और नॉर्मल इरेजर से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग शेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसको शेड करने की शुरुआत मैं इसके हेयर से करूँगा। तो सबसे पहले जो है मैं इसके हेयर्स को शेड करूँगा, और उसमें मैं 6B पेंसिल से जो है सबसे पहली लेयर लगाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग 6B पेंसिल जिस जिस डायरेक्शन में इसके हेयर जा रहे हैं उस डायरेक्शन में हम लोग 6B पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग जो है अपनी डार्क पेंसिल 10B से जो जो एरिया डार्क है उसको हम लोग डार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 6B की लेयर पूरे हेयर्स में कर लेते हैं। अब ये पहली लेयर कर लेने के बाद मैंने इसको जो है ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब इसके बाद जो है मैं अपनी 10B पेंसिल लूँगा, और जहाँ जहाँ पे जो जो डार्क एरियाज़ हैं, जैसे कि ये सब बीच बीच के डार्क एरियाज़ हैं, इनमें मैं अलग से शेडिंग करता चला जाऊँगा। उसके बाद मैं जो हूँ जहाँ जहाँ पर इसके हाईलाइट दिख रही है वहाँ वहाँ पर मैं जो हूँ टॉम्बो मोनोजीरो इरेजर की मदद से हाईलाइट दे दूँगा। तो चलिए फिर आगे आप प्रोसेस में देखिए कि मैंने इसको कैसे जहाँ जहाँ पर डार्क एरिया वहाँ पर डार्क करा है, और उसके बाद मैंने इसको कैसे इसको हाईलाइट किया है। अब ये सब हो जाने के बाद हम लोग हाईलाइट देंगे। हाईलाइट्स आप देख सकते हैं इस एरिया में कुछ ज़्यादा है, और बाकी जो है हाईलाइट्स इधर है। तो हम लोग इस एरिया में भी हाईलाइट दे देते हैं, और उस एरिया में बैक साइड में भी अच्छे से ऑब्जर्व करके हम लोग जो है हाईलाइट दे देते हैं। अब मैं इसके आईज, नोज और लिप्स को बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आईब्रोज को बनाता हूँ। आईब्रोज बनाने के लिए मैं जो हूँ मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिन होती है तो इससे आसानी से अच्छी आईब्रोज बन जाती हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आईब्रोज कैसे बनाते हैं तो ऊपर आई बटन आ रहा है, उस पर आप लोग जाके देख सकते हैं। अब मैं इसकी दोनों आईज को बनाऊंगा। तो सबसे पहले जितने भी डार्क एरियाज हैं आप लोग देख सकते हैं आईज के अंदर, जहां जहां पे डार्क एरिया है उनको पहले मैं डार्क कर लूंगा। उसके बाद जो लाइट एरियाज है उनको मैं लाइट कर लूंगा। इससे आईज आपकी 3D दिखती हैं,
और अगर आपको नहीं पता है कि आईज को कैसे बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप उसका भी ट्यूटोरियल मैं बना चुका हूँ, तो ऊपर आई बटन आ रहा है उस पर आप लोग जाके देख सकते हैं। अब दोनों आईज हो जाने के बाद मैं नोज़ बनाऊंगा। नोज़ में जितना भी डार्क एरिया है वो मैं पहले ड्रॉ कर लूँगा, उसके बाद जो हाइलाइटेड एरिया है इसको मैं छोड़ दूंगा ताकि मुझे ज़्यादा इरेज ना करना पड़े। तो ज़्यादा जो डार्क एरिया उसके लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ करूँगा और बाकी जो लाइट एरिया उसके लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ करूँगा। अब हम लोग की नोज़ भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम लोग जो है लिप्स को बनाएंगे। लिप्स को बनाने के लिए मैं माउथ ओपनिंग जो है उसकी वो पहले अच्छे से डार्क कर लूँगा, उसके बाद मैं अपर और लोअर लिप को मैं शेड करूँगा। लिप्स के ऊपर भी मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन पर जाके देख सकते हैं। तो अब हम लोग फोरहेड बनाएंगे और याला चीक बनाएंगे, तो इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी हाइलाइट्स वगैरह है, तो इन सब का भी ध्यान देखते हुए हम लोग जो है इसको शेड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग HB से जो है एक लेयर पूरे में शेड कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग जो है दूसरी लेयर लगाएंगे 2B की, जहाँ डार्क एरियाज हैं और हाइलाइट्स भी अपने हिसाब से देंगे। तो अब हम लोग इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो आपने देखा होगा छोटे एरियाज को जो है मैं ब्लेंड करने के लिए ब्रश को यूज़ करता हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा एरिया है तो इसके लिए मैं टिश्यू पेपर को यूज़ करूँगा। टिश्यू पेपर को अपनी उंगली पर रोल करके तब इसको मैं ब्लेंड करूँगा। अब ये एक लेयर हम लोग की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ पर हम लोग 2B पेंसिल से दूसरी लेयर देंगे। तो मैंने 2B पेंसिल ले लिया, पहले हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर डार्क एरिया है पूरा, इसको हम लोग 2B पेंसिल से करेंगे। तो अभी हम लोग का फेस पूरी तरीके से पूरा हो चुका है, तो अब मैं ईयर्स को बना लेता हूँ, नेक को बना लेता हूँ, उसके बाद जो हम लोग के साइड हेयर और बियर्ड है उसको बना लेंगे, तो हम लोग का ये ओवरऑल स्केच कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग ईयर्स को बनाते हैं। ईयर्स को बनाने के लिए भी मैं जो हूँ सबसे पहले 2B पेंसिल से जितने भी डार्क एरिया उनको कर लूँगा, फिर उसके बाद लाइट एरियाज को करूँगा।
अब मैंने इसके ईयर बना लिए, तो अब मैं इसकी नेक को बनाऊंगा। नेक में भी आप देख सकते हैं जहां जहां पे डार्क एरियाज है उनको मैं पहले डार्क कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जो है लाइट एरियाज को शेड करूंगा। ये आप देख सकते हैं ईयर के नीचे डार्क एरिया है, तो इसको हम लोग पहले शेड कर लेंगे, फिर उसके बाद नीचे शेड करेंगे। अब नेक भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम लोग जो साइड हेयर्स हैं और इसकी बियर्ड्स हैं इसको अब हम लोग बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो है मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करूँगा, क्योंकि इसकी जो आप बियर्ड देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो जो है लाइट जो बियर्ड है इसको हम लोग बनाने के लिए मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करेंगे, ताकि थोड़ी लाइट बियर्ड है। सबकी स्ट्रोक्स अलग अलग देते जाएंगे तो ये जो है एकदम लाइट बियर्ड बनेगी। जब काफ़ी ज़्यादा डार्क बियर्ड हो तब आप लोग जो है कोई वुडन पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं वुडन पेंसिल का, लेकिन अभी मैं जो हूँ मेरे पास मैकेनिकल पेंसिल है तो उसका यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अभी पहले हम लोग जो है साइड हेयर्स को बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ ऑब्जर्व करने वाली होती है। साइड हेयर जो है हम लोग को देखने में लग रहा है कि नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इधर की तरफ राइट लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली होती हैं, जिससे स्केच का ओवरऑल लुक बदल जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ऑब्जर्व करना सीखिए, और जब आप लोग ज़्यादा स्केच बनाएंगे तभी ऑब्जर्व करना आसानी से आ जाएगा। ये सब चीज़ें धीरे धीरे आती हैं। तो अब साइड हेयर्स को बनाने के लिए मैं एक टेक्निक बताता हूँ कि आप लोग जो है सबसे पहले 6B पेंसिल लीजिए और एक लेयर जो है पूरे साइड हेयर्स में लगा लीजिए। अभी देखिए मैं पहले पूरी एक लेयर लगा लेता हूँ साइड हेयर्स में। अब ये पूरी एक लेयर मैंने कर ली। अब इसके बाद मैं डार्क पेंसिल से सीधे बनाता चला जाऊँगा, जिस डायरेक्शन में हेयर जा रहे उसी डायरेक्शन में अब डायरेक्ट मैं 10B पेंसिल से अब बनाता चला जाऊँगा। तो देख सकते हैं कि मैंने ये साइड हेयर भी बना लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है बियर्ड को बनाएंगे। बियर्ड को बनाने के लिए मैं आपको बता रहा था कि 4B पेंसिल को यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा डार्क एरिया, इसलिए मैं जो हूँ 10B पेंसिल को भी यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके नीचे जो है हम लोग 4B पेंसिल को यूज़ करेंगे, मैकेनिकल पेंसिल को। इसको भी मैं थोड़ा एक लेयर से शेड कर दूंगा 2B पेंसिल की मदद से, फिर उसके बाद जो है बियर्ड को बनाऊंगा, ताकि जो है नीचे वाइट वाइट एरिया ना छूट जाए, ताकि बियर्ड वाइट ना लगे, इसलिए मैं 2B पेंसिल से इसको भी एक क्लियर कर लेता हूँ।
मैंने इसकी बीएडी बना ली है, तो देख सकते हैं कि पूरा ओवरऑल स्केच ये पूरा कंप्लीट हो चुका है अब। लेकिन इसमें जो है आइज़ वगैरह जो यहाँ पे मैंने शेड करे थे पहले, वो मेरे हाथ ऐसे रखने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गए, तो इसको हम लोग फिर से डार्क कर लेते हैं। और ये हम लोग के कुछ लास्ट की चीज़ें होती हैं जो सभी को करनी पड़ती हैं, लास्ट टचेस जो होते हैं वो हर स्केच में देने ही पड़ते हैं। तो चलिए फिर इसको डार्क कर लेते हैं अच्छे से, आइज़ नोज़ और लिप्स जो जो हल्के लाइट हो गए हैं तो उसको हम लोग डार्क कर लेते हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ें भी कई बार डार्क करने बाद अंदर की चीज़ें लाइट लगने लगती हैं, तो इसलिए हम लोग को इसको थोड़ा डार्क करना ही पड़ता है। आईब्रोज़ भी काफ़ी लाइट लग रही हैं, तो इन सबको अब हम लोग डार्क कर लेते हैं फिर से। अब आप देख सकते हैं स्केच पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसमें थोड़े से जो कपड़े बचे हुए दिख रहे हैं इसमें नीचे, इसको भी हम लोग शेड कर लेते हैं। इसको शेड करना बहुत ही आसान है, एक डार्क पेंसिल लीजिए और इसको आसानी से शेड कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा ब्लैक है तो आप लोग को पूरा ब्लैक ही करना है इसको, तो आराम से इसको पूरा शेड कर लीजिए। लेकिन इसमें बीच बीच में हाईलाइट्स हैं, जैसे कि ये एरिया है यहाँ पर हाईलाइट है, तो इसको भी जो है थोड़ा ध्यान दे के आप लोग करिएगा, वरना आप लोग पूरा ब्लैक भी कर सकते हैं। पूरा ब्लैक करने के लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आई होप आप समझ गए हों कि इस स्केच को मैंने कैसे बनाया। तो पहले मैंने इसकी ग्रिड बनाई है, फिर उसके बाद मैंने इसको शेड करा है। ये पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप थी। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं डालूंगा कल। तो तब तक के लिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आप लोग ने इसको प्रैक्टिस करके बना लिया तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, लिंक मेरा बायो में है। और इस फोटो को मैं जो है रेफरेंस इमेज को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।